गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका इन हसीन वादियों में। फिलहाल अभी हम आपको बताते हैं कि हम है कहाँ। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम हमारे फ्रेंड की शादी में, मिस्टर एंड मिसेस बड़वानी की शादी में आए थे, जो कि शादी कल पूरी हो गई। सुबह सुबह फिर हम निकल गए कहाँ के लिए, बस इस हसीन वादियों को देखने के लिए। और अभी हमारे साथ हमको लेके आए हमारे सेलू जी। थोड़ा मास्क वास्क निकालो यार, ये इनको एक्चुअल में यहाँ की कुछ जो प्रसिद्ध जगह है देखनी थी, जैसे कि हमारे बड़वानी में बावन गजा जी, जो कि एक टूरिस्ट एरिया है, तो हमने सोचा इनको बावन गजा घुमा देते हैं, फिर बाद में और नई नई चीजें दिखा देंगे। ज्यादातर क्या संडे के दिन पार्टी वार्टी वगैरह करना, मतलब यही के लोकल लोग आते होंगे ना, दूर के भी आते हैं। जो मेन अभी अपन जाने वाले है ना, जहाँ पे वहाँ पे जाएंगे, वो मेन चीज है वहाँ पे बावन गजा जी। वहाँ पे भगवान बुद्ध की प्रतिमा है बहुत बड़ी, और भी बहुत सारी चीजें वहाँ देखने को। अभी वहाँ जाएंगे तो एक सिंपल सा है, मतलब टाइम स्पेंड करने के लिए इधर आते हैं। चलो फिर आगे चलते हैं और दिखाएंगे। अभी तो बहुत सारी, अभी तो ये शुरुआत है, अभी देखना पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो कहीं तक जाइए, रुके रहिए। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं हमारी डेस्टिनेशन पे। पीछे देखो, अभी अंदर जाएंगे हम। पहाड़ों के बीच से हो क्या, इतना अच्छा लगा, पहाड़ी एरिया है। हम लोग अभी मनाली गए थे, वहाँ तो हम तो बोल रहे इन लोगों की, हमने उनको मिस्टर बड़वानी जी को, दीपक जी को और सेलू को भी बोला कि आप लोग को मनाली जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ खुद ही इतना अच्छा व्यू है, इतने अच्छे पहाड़ वगैरह है। बस वहाँ स्नोफॉल होता है, यहाँ स्नोफॉल नहीं होता, बस इतना ही अंतर है। यहाँ पर रावण के इंद्र जी तो कुंभकर्ण यहाँ से मोक्ष प्राप्त हुआ है। यहाँ रावण की पटराई मंदोदरी में अरिका दीक्षा ली, जो स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। चलो तपस्या स्थान है, सिद्ध क्षेत्र के कहते हैं, और ऊपर जाके देखते हैं। हाँ, वहाँ देखे ये पूरी, वो इनके हाथ की लंबाई, कान की लंबाई सब पूरा लिखा हुआ है, आपको मिलेगा वो। ये आप प्रतिमा जो आप देख रहे हैं ना, मूर्ति, ये साइड में पूरे पत्थर पत्थर है, पूरे पहाड़ी है, तो पहाड़ों को काट के, पत्थरों को काट के बनाया गया है। तो इधर देखिए, श्री आदिनाथ भगवान का अर्घ लिखा हुआ है, और सारी जानकारी। अगर आपको यहाँ के बारे में और भी हिस्ट्री वगैरह चाहिए तो आप गूगल कर लीजिएगा। बाकी अभी वहाँ से हम वहाँ तक आए हैं, तो हमारे कैमरामैन जो है, कैमरामैन पीछे मुड़े देखिए हमारे, तो हमारे आज के कैमरामैन ये है, और ये दीपक जी के बहुत अच्छे परम मित्रों में से एक है, तो हमारे भी परम मित्र हुए ये। इनका नाम संतोष है। हम यहाँ है तो सभी लोग हमको घुमा रहे, इतना प्यार दे रहे, उसके लिए थैंक यू दिल से यार। आप लोग अपना टाइम दे रहे हो, और सबसे ज्यादा थैंक यू हमारे सेलू जी को।
तो अभी हम पूरे हिल स्टेशन के बीचों बीच में खड़े हैं। ये देखो इधर पूरे पहाड़ वहाड़, और लेकिन यहाँ ऊपर आने के बाद यहाँ खाने पीने की चीज़ें नहीं है क्योंकि ये एक मंदिर है, मंदिर में नहीं है। पानी की बोतल आप कहीं भी जाओ तो साथ में रख के चलो क्योंकि यहाँ सीढ़ियाँ ज़्यादा है तो इसकी वजह से आपकी सांसें फूल सकती है जैसे अभी हमारी, तो इसीलिए हम आपको फ्री में एडवाइस दे रहे हैं, उसको रख लो। अब हम थोड़ा सा यहाँ फोटो शूट वगैरह कर लेते हैं, कुछ अच्छी अच्छी पिक्चर सीन हसीन वादियों में आए तो मेमोरी कलेक्ट करना तो ज़रूर बनता है, कुछ रील्स वगैरह बना लेंगे, वो आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगा। बहुत सारी फोटो वगैरह भी खींचेंगे यहाँ पे, सही है। और आज हम थोड़ा ना लो फील करें वो इसलिए क्योंकि कल शादी खत्म हुई है यार, रात में हमने इतने दिन हमने नहीं नाचा, कल हमने खूब नाचा है और रात में हम लोग 4 बजे सोए और सुबह 6 बजे ही उठ गए, इसकी वजह से अभी थोड़ा सा लग रहा होगा कि हम थोड़ा नींद में है, तो थोड़ा सा सह लीजिएगा। अगर आप 52 गजा जी आते हो तो आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, नेटवर्क नहीं रहता है, जियो में नेटवर्क रहता है थोड़ा थोड़ा, बाकी किसी में नहीं रहता है। बाकी अगर आप वीडियो शूट फोटो शूट के लिए आना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी लोकेशन है, आप आसपास से हो या कहीं बाहर से भी हो तो आप आराम से यहाँ पे आके फोटो शूट कर सकते हो बिंदास कैसे भी। तो हमने 52 गजा जी घूम लिए और हमको काफ़ी अच्छा लगा, अभी हम निकलते हैं यहाँ से और धूप भी हो रही यहाँ पे, जब कभी हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो बारिश वाले मौसम में आएंगे। ये वाला वेदर, ये वाला व्यू तो हमने देख लिया, जो एक अलग वेदर रहता है अलग व्यू रहता है वो भी देखने के लिए हम नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो बारिश में आएंगे, वाटरफॉल देखने को मिले। और यार शादी में ना कई दिन से इतना, अभी मेरा गला एकदम ऐसा लग रहा है कि अब आवाज़ निकलनी बंद हो रही, तो अब हम थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे नहीं तो पता चले आवाज़ बंद हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। आइए कैमरामैन जी, कहाँ पीछे पीछे चल रहे हैं आप, हमारे कैमरामैन पीछे हो गए, बताओ इनको आगे चलना चाहिए। हमारे साथ दीपक जी भी आने वाले थे बट वो आ नहीं पाए, क्यों नहीं आए, वो भूख लगी उनको, खाना खा रहे थे वो भी लगती उनका वो खाना बना रहे थे खाना खाने के लिए, और हम लोग आ गए इधर, जल्दी से घूम के निकल जाएंगे। और यहाँ आ रहे हो तो ध्यान रखना कोविड चल रहा है, मास्क वास्क पहन के आना नहीं तो आने नहीं देंगे। अभी ये वाला जो 52 गजा जी मंदिर, ये तो हमने आपको दिखा दिया, एक और है छोटा सा, ये अंदर चलते दिखाते हैं। यहाँ पे गौतम बुद्ध भगवान की प्रतिमा रखी हुई है कांच के अंदर, अरे आ नहीं रहा यार, कांच के अंदर है तो पूरा नहीं दिख रहा, ऊपर ऊपर दिख रहा है, और इधर भी बहुत सारी हैं, कैमरे में यार आ ही नहीं रहा, हम ही हम दिखाई दे रहे, कांच लगा हुआ है ना इसकी वजह से। इधर देखिए ये इधर भी है, अभी हमारा फोटो शूट वगैरह हमने कर लिया, अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक कराई, लेकिन यार क्या बताएं आज हमारे ना हालत ख़राब है, पैर हमारे शिवरिंग कर रहे हैं पता नहीं क्यों, कल हमने नाचा था खूब, यहाँ की भाषा में बोले तो बिल्कुल नहीं, हम बोले तो कि हमने खूब नाचा है इसी वजह से। तो अभी निकलते देखो, बहुत कम लोग हैं यहाँ पे, ज़्यादा लोग नहीं आते, बहुत ही शांत प्लेस है, मतलब कह सकते हैं कि आप मेडिटेशन के लिए अगर आना चाहते हो ना तो आ सकते हो आराम से, चलो आओ। जो भी साधु संत वगैरह आते हैं ना जैन धर्म के, उनकी रुकने की व्यवस्था की जाती है, मतलब जो भी रुकने की व्यवस्था, ये खाने वगैरह के और ये मंदिर वगैरह कुछ यहाँ पे भी है। जैसे कुंभ का मेला लगता है कितने साल बाद, 5-10 साल बाद, वैसे यहाँ 12 साल बाद एक मेला लगता है काफी बड़ा, वैसे ही कुंभ जैसे काफी बड़ा मेला लगता है जो कि काफी ज्यादा फेमस है, दुनिया भर के लोग यहाँ भी आते हैं, तो यहाँ पर भी दुनिया भर के लोग बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। और जैसे अभी आप ये देख रहे हो जो बना हुआ है, इधर तो मंदिर है बाकी इधर तरफ ये जो बने हैं ये पूरा, जो लोग यहाँ पे 52 गजा जी घूमने आते हैं और उनके रहने की भी व्यवस्था है, ये सारे पीछे सब होटल वगैरह रूम वगैरह बना रखे हैं, तो यहाँ आओ तो आप आराम से 1-2 दिन अगर स्टे करने का प्लान है तो आराम से आप स्टे कर सकते हैं। We'll be right back.
फिलहाल हम बावन गजा मंदिर घूम के आ गए हैं और बहुत ज्यादा थक गए हैं, तो अभी थोड़ा सा आराम करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे टाइगर श्राफ से मिलने, मतलब कि यार जूनियर टाइगर श्राफ, यहाँ निमाड़ के जो टाइगर श्राफ है उनसे मिलने, जो दिखते हैं बिल्कुल टाइगर श्राफ के जैसे और एक्टिंग वगैरह भी उनके जैसे करते हैं, डांस वांस करते हैं। तो वो सब आपको देखने को मिलेगा अगले वाले व्लॉग में, क्योंकि अभी हम आए तो बहुत ज्यादा थक गए, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर रेडी ओडी होके जाएंगे उनसे मिलने के लिए। ये वाला व्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म। अगर ये वाला व्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कर लो यार, राजा सर से मिलने जा रहे, टाइगर श्राफ से मिलने जा रहे, तो मजा आएगा आपको।